भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा मन को स्वच्छ करती, मन को साफ करती। बाहरी गंदगी को साफ करना बड़ा आसान है, पर भीतरी गंदगी को साफ केवल और केवल भगवत कथा कर सकती। मन को मांझना अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान की कथा करती। क्योंकि मन क्या है, जैसे आप कथा में बैठे हैं तो क्या है, आपके सामने कैमरे लगे, कैमरे में आपकी फोटो चलती है। कहीं कहीं कथा में सीसीटीवी भी लगा देते, कहीं कोई कथा में कोई गड़बड़ हो, चोरी हो तो दिख जाए। पर उन कैमरों की निगरानी से हो सकता आप बच जाओ। एक कैमरा लगाया जा सकता, दो लगाए, दस लगाए जा सकते, पर उनमें सबकी निगरानी नहीं रखी जा सकती। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने कैमरा अंदर फिट कर दिया जिसका नाम है मन। ये सबके भीतर एक एक कैमरा फिट है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता जा रहा है अपने जीवन के बारे में। न चाहते हुए भी सब कुछ इसमें स्थापित होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, अंदर फिट है, इसको निकाल भी नहीं सकते। वो मन जानता है कि आप कैसे हैं, आप दानव जैसे हैं कि देवता जैसे हैं। और फिर जब आपको कथा में बैठेंगे तब पता चलेगा आप कैसे हैं, आपके मन में कितने दाग हैं। फिर इस कथा में बैठिए और कथा के सूत्रों से, कथा के भजनों से, कथा के वाक्यों से अपने मन को मांझिए।